नमस्कार मंडली, मैं गिरीश आज के इस माथेरन के वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माथेरन का ट्रांसपोर्टेशन, माथेरन में आने के सोर्सेस, माथेरन के होटल्स, रेस्टोरेंट और माथेरन के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये वीडियो यहाँ से शुरू नहीं होता है, ये वीडियो शुरू होता है सुबह के 6:30 बज चुके हैं और दादर से करजत के लिए मेरी 7:30 की ट्रेन है जो मुझे नेरल में ड्रॉप कर देगी। नेरल रिटर्न। ट्रेन 7:45 को दादर स्टेशन पहुंच गई। दादर टू नेरल का डिस्टेंस है 86 किलोमीटर का। अगर आप पुणे से आ रहे हो तो वो डिस्टेंस है 122 किलोमीटर का। मैं नेरल स्टेशन पे 8:29 को उतर गया। नेरल स्टेशन पे अभी मैं उतर चुका हूँ। 8:30 हो चुके हैं, सो 1.5 आवर में मैं नेरल पहुँच चुका हूँ दादर से। अभी यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होगी माथेरान के लिए। नेरल स्टेशन पे मैंने इंक्वायरी की टॉय ट्रेन के लिए, लेकिन यहाँ पे पता चला कि ट्रेन अभी डायरेक्टली अमन लॉज से स्टार्ट होती है। स्टेशन से बाहर आने के बाद आपको राइट टर्न लेना है, जहाँ से आपको कैब मिलेगी। ये कैब्स कंटिन्यूस नेरल, माथेरान, नेरल ऐसी ट्रैवल सर्विस देते हैं। इनकी प्राइस होती है ₹100 पर पर्सन। नेरल से माथेरन का डिस्टेंस है 7 किलोमीटर का, लेकिन ये जर्नी कंप्लीट होती है 1.5 आवर में, क्योंकि कुछ किलोमीटर के बाद हिल रोड लगता है और इस वजह से कार का स्पीड कम हो जाता है। पर पहाड़ों का नज़ारा और ड्राइवर जी के ड्राइविंग स्किल्स देखते देखते ये टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। दोस्तों, अगर आप माथेरान अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो तो आप यहाँ पे पार्किंग कर सकते हो। पार्किंग चार्जेस है 2-व्हीलर ₹60 और 4-व्हीलर ₹100। माथेरान की एंट्री टिकट है ₹50 फॉर एडल्ट्स एंड ₹25 फॉर चाइल्ड। आप माथेरान हिल पे 3 वे से जा सकते हो। एक फर्स्ट है टॉय ट्रेन, सेकेंड है हॉर्स राइड और थर्ड है ये साइकिल, जिसमें बैठकर इनके चालक आपको ऊपर ले जाएंगे। इन दोनों की प्राइस लगभग 300 से 500 रुपये के बीच में होती है। मैंने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि आज मैं टॉय ट्रेन से जाऊंगा। माथेरन की टिकट लेने के बाद आपको यहां से सीधे चलते रहना है और 3 से 4 मिनट में आपको अमन लॉज लगता है, जो कि टॉय ट्रेन का स्टेशन है। टॉय ट्रेन की टिकट होती है ₹315 फॉर फर्स्ट क्लास और ₹45 फॉर सेकेंड क्लास। ट्रेन की टिकट्स के ऊपर सीट नंबर मेंशन होती है, उसी सीट के ऊपर आपको बैठना होता है। इस ट्रेन में जितने सीट्स अवेलेबल हैं उतने ही लोगों को अलाउ करते हैं। दोस्तों, नेरल से माथेरन की टॉय ट्रेन की जो सर्विस है वो शुरू की थी सर अब्दुल हुसैन जी ने। उनके पिताजी आदम जी पीरबॉय अक्सर माथेरन आते थे, तो उनको ऐसा लगा कि इस जर्नी को आसान बनाते हैं। और फिर अब्दुल हुसैन जी ने सन 1900 में इसका प्लान बनाया। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1904 में और बन के रेडी हुआ था 1907 में। इसका पूरा खर्चा उठाया था आदम जी पीरबॉय जी ने, जो कि लगभग 16 लाख रुपये था। और इसके इंजीनियर थे एवराट कैल्थ्रॉप। दोस्तों, आज इसी वजह से पहाड़ों का नज़ारा लेते लेते ट्रेन से माथेरन तक पहुंच सकते हैं। माथेरन स्टेशन पे मैं 20 मिनट में पहुंच गया। तो मैं माथेरन के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूं, जैसे ट्रेन आ रही है रुकता हूँ। में रायगढ़ जिले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिस्टर वैलेट को माथेरन के बारे में पता चला। ये चीज़ उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ डिस्कस की। फिर उस वक्त के मुंबई के जो गवर्नर थे लॉर्ड किंगस्टन, उन्होंने डिसाइड किया कि माथेरन को फ्यूचर हिल स्टेशन बनाया जाए, तो उस वक्त उन्होंने इसका फाउंडेशन रखा था। माथेरन में खाने के लिए कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको भारत के हर कोने का खाना यहाँ पे मिल जाएगा। छोटे स्टॉल्स, स्ट्रीट साइड फूड और बड़े रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल है। मैंने खाया मुंबई स्पेशल कॉम्बिनेशन चाय के साथ वड़ा। दोस्तों, अभी मैं माथेरन के कुमार प्लाजा होटल में खड़ा हूँ और इसकी हर एक रूम के कैटेगरी के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा
और यहाँ पे क्या-क्या फैसिलिटीज है, रेस्टोरेंट कैसा है, ये सब आपको बताऊंगा। होटल का ये फ्रंट एरिया है जहाँ पे राइट साइड में रेस्टोरेंट एंड लेफ्ट साइड में रिसेप्शन है। होटल कुमार प्लाजा में टोटल 4 कैटेगरी के रूम्स हैं और उन सारे रूम्स की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट रूम जो अभी हम देखेंगे वो है AC स्टैंडर्ड। इस रूम में आपको डबल बेड, LCD TV, वार्डरोब, मिरर, क्लोजेट जैसे एमिनिटीज मिलेंगे। इसका बाथरूम भी नीट एंड क्लीन है। लेकिन इस रूम का सबसे बढ़िया पॉइंट जो मुझे लगा वो है ये दोस्तों, इस रूम से आपको स्विमिंग पूल व्यू मिलता है। सेकेंड रूम है सुपर डिलक्स रूम। जैसे ही रूम में एंट्री करोगे तो लेफ्ट साइड में वार्डरोब है और राइट में बाथरूम। इस रूम का बाथरूम भी नीट एंड क्लीन है। सुपर डिलक्स रूम का बेड बड़ा है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड रूम। इस पे 3 लोग आराम से सो सकते हैं। रूम में आपको सोफ़ा, स्मॉल डाइनिंग टेबल, चेयर, मिरर, LCD TV जैसे एमिनिटीज़ मिल जाएंगे। अब देखते हैं इस होटल का प्रीमियम रूम जो मुझे बहुत पसंद आया। ये रूम साइज़ में और इंटीरियर वाइज बहुत बढ़िया था। इस रूम में आपको किंग साइज़ बेड, सोफ़ा, इलेक्ट्रिक केटल, LCD TV, AC, स्मॉल डाइनिंग टेबल, वेल डिज़ाइन वार्डरोब मिलेगा और इसमें आपको बाथटब भी मिलेगा। इस रूम के बाथरूम का इंटीरियर भी काफ़ी बढ़िया है और स्पेशियस भी है। इस रूम से आपको स्विमिंग पूल का बढ़िया व्यू मिलता है। अब देखते हैं बालकनी सूट रूम। इस रूम को प्राइवेट बालकनी है जहाँ से माथेरान का व्यू दिखता है। ये रूम साइज़ में 3ों रूम से बहुत बड़ा है। इसमें आपको हॉल और बेडरूम मिलेगा। हॉल में डाइनिंग टेबल विथ चेयर एंड सोफ़ा रखा हुआ है। बेडरूम में आपको किंग साइज़ बेड, टेबल विथ चेयर, वार्डरोब, मिरर, LCD TV और एक सोफ़ा रखा हुआ है। ये रूम इस होटल का सबसे बड़ा वाला रूम है। होटल का स्विमिंग पूल साइज़ में काफ़ी अच्छा है। ऐसा लगभग 25 फीट है और ऐसा 12 to 15 फीट होगा। और ये होटल का रेस्टोरेंट, इसी के आगे किड्स प्ले एरिया भी है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं पार्ट 2 वाले वीडियो में। दोस्तों उस वीडियो में हम आपको और अलग होटल्स दिखाएंगे और उनकी इन्फॉर्मेशन भी प्रॉपर तरीके से आपको देंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों।